हेलो गाइज, मैं हुआ रहन और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 1000 से लेकर 10000 के बीच में छोटे अमाउंट का लोन कैसे ले सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर एकदम डाउन है, पूरा जीरो है, उसके बाद भी आपको यहां पे लोन मिल जाएगा, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के और कोई भी इनकम प्रूफ दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू लोन मिल जाएगा इजीली। अगर आपको 2000, 4000, 8000 या फिर 10000 का लोन चाहिए तो आसानी से यहाँ पे आपको अप्रूवल मिल जाता है और छोटे अमाउंट का लोन यहाँ पे आसानी से आपको मिल जाता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको क्या क्या डिटेल वहाँ पे फिल करना होता है, क्योंकि अगर आप खुद से वहाँ पे डिटेल फिल करने जाते हो तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ गलती कर देते हो। इसलिए यहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या डिटेल वहाँ पे फिल करना है जिससे आपको आसानी से अप्रूवल मिल जाए और आप छोटे अमाउंट का लोन आसानी से यहाँ पे ले भी सकते हैं। तो ये एकदम नया एप्लीकेशन है, सेफ एंड सिक्योर है और RBI NBFC रजिस्टर्ड है, तो बेझिझक यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं। तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कहाँ से करना है, आपको वीडियो के नीचे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। क्योंकि अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और वही नंबर डालना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो और जो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक हो, तो वही नंबर एंटर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना फोन नंबर वेरीफाई कर लेना है, फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अप्लाई फॉर अ लोन, तो आपको अप्लाई फॉर अ लोन पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ से किस आपको जितने भी अमाउंट का नीड है उतना आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आप चाहे तो आप 20000, 25000 का भी लोन ले सकते हैं, बट छोटा अमाउंट का लोन लेते हैं तो आपको आसानी से मिल जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8000। फिर आपको अपना ईमेल आईडी एंटर कर देना है। तो लोन अमाउंट और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। फिर आपको पूछा जाएगा व्हाट टाइप ऑफ लोन, कि आप किस टाइप का लोन लेना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम अपना पर्सनल लोन ही लेना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस लोन तो बहुत बड़ा अमाउंट का लोन होता है, तो हमको छोटा अमाउंट का लोन चाहिए, तो आपको कर देना है पर्सनल लोन। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो यहाँ पे अगर आप कोई जॉब करते हैं, अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई शॉप ऑनर हो, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। बट अगर आपके पास कोई काम नहीं है, अगर आप स्टूडेंट भी हो, तो आपको यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड कर देना है। आपको स्टूडेंट नहीं करना है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड ही क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रोफेशन टाइप, तो आपको यहाँ पे कर देना है स्मॉल बिजनेस ओनर। आपको इस तरह से स्मॉल बिजनेस ओनर कर देना है। बट अगर आपके पास कोई जॉब है, अगर आप कोई काम करते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर करेंगे। बस यहाँ पे मैं जिसके पास काम नहीं है, जो स्टूडेंट है, उनके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे स्मॉल बिजनेस ओनर कर देना है, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर पूछा जाएगा डू यू हैव एनी बिजनेस प्रूफ, अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस करना है, अगर आपके पास नहीं है तो नो करना है। फिर गाइस यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर और क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देता हूँ, देन आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है एंड अपना क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट। फिर आपको नेक्स्ट करना है, देन अब यहाँ से गाइस आपको अपना पैन नंबर और आपके पैन नंबर में जो नाम है बिल्कुल वही नाम इंटर करना है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर पूछा जाएगा आपको रेसिडेंस टाइप, तो आपको इस पे क्लिक करना है, देन आपको कर देना है सेल्फ ऑन्ड। यहाँ पे आपको सेल्फ ऑन ही करना है, अगर आप रेंट में भी रहते हो फिर भी यहाँ पे आपको सेल्फ ऑन करना है। देन नीचे पूछ रहा है कि आप अपने करेंट एड्रेस में कितने साल से रह रहे हैं, तो आपको इस पे क्लिक करना है, देन आपको कर देना है 2 साल इस तरह से। और यहाँ पे आपको अपना पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देना है, अपने एरिया का पिन कोड। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा मंथली इनकम, तो मंथली इनकम में आपको यहाँ पे कम से कम 30000 इंटर करना ही करना है, मिनिमम यहाँ पे 30000 करना है। आप फूटी कौड़ी नहीं कमा रहे हो फिर भी आपको 30000 डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल यहाँ पे इंटर कर देना है। देन पूछा जाएगा आर यू इंटरेस्टेड इन अ क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे नो कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट करना है, देन यहाँ पे सारा कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है, आपको सबमिट कर देना है। फिर कुछ ही घंटे बाद आपका लोन अप्रूवल आ जाएगा। फिर जैसे ही आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कितने अमाउंट का लोन यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 4000 मिला है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको कंटिन्यू करना है। देन यहाँ पे आपको अपना टर्म सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे आप कम अमाउंट का लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपका टेन्योर जो है वो कम दिनों के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पे 31 दिन और 62 दिन, तो आपको 62 डे सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप अपने लोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टर्म दिया जाता है या फिर टेन्योर यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए दिया जाता है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट का लोन लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे लोन दिया जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं, आपको 2 महीने में इसे क्लियर करना है। तो बस आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर कुछ ही घंटे में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे।